इसके बाद हम परम पूज्य पाद श्री भक्तिवेदांत वन महाराज जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे, समय नहीं लेते हुए कि वे श्री गुरु महाराज जी के बारे में बहुत ही मधुर मधुर बातें वो हमको सुनाए, जो पहले जो मठ में रहे हैं और विशेष करके पूज्यपाद महाराज जी के बारे में क्या कहूं। महाराज जी की विशेष जो रुचि है सब देखा है मैंने। सुबह सुबह महाराज जी जो हैं प्रातः काल में बहुत ही जल्दी जागते हुए नाम जापते थे, फिर उसके बाद सब समय कथा कीर्तन में ही पूज्य श्री महाराज जी की विशेष रुचि थी, और विशेष करके मथुरा में जितने जो भिक्षा के जो फील्ड थे प्रारंभिक दशा में पूज्य श्री महाराज जी ने ही पूरे मथुरा में सब जगह जाकर के महाराज जी ने ही भिक्षा का फील्ड सब कुछ लाते थे, चावल दाल आटा वाटा सारी चीज लाते थे, और इस प्रकार से प्रारंभिक दिनों से ही महाराज जी ने इतनी सेवा की है मठ के लिए। पूरा पूरा जो श्री मथुरा मठ जो है महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से ईंट इत्यादि सब चीजों को लाकर के मठ का निर्माण कार्य में सेवा किया, और इस प्रकार से महाराज जी सब समय कथा कीर्तन ही महाराज जी का प्राण है। हमने जब भी महाराज जी को देखा सब समय श्री राधा कृष्ण के और गुरुवर्गों की जो कथा में ही डूबे रहते थे सब समय, इसलिए पूरे विश्व में पूज्य श्री महाराज जी जो हैं गुरुदेव की जो वाणी है सब जगह जा जा करके लगभग 25 साल से महाराज जी सारे विश्व में और विशेष करके साउथ अफ्रीका ब्राजील में जाकर के पूज्य श्री महाराज जी ने जो है वहां पर श्री रूप रघुनाथ की जो वाणी को सब प्रकार से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है और कर रहे हैं। तो इसलिए मैं पूज्य श्री महाराज जी से मैं करूंगा प्रार्थना कि वे गुरुदेव के बारे में मधुर मधुर बातें हमको सुनाए। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। अभी बात करूंगा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। हाँ महाराज जी, जो पहले की बातें जो मधुर मधुर बातें मठ में किस प्रकार से मतलब गुरु महाराज जी से क्या आपको प्रेरणा मिली, क्या शिक्षाएं मिली, सब प्रकार की जो शिक्षाएं जो प्राप्त हुआ, और जो प्रारंभिक दिनों में जो जो मतलब बातें हुई हैं वो सब कृपा करके भक्तों के आगे आप शेयर कीजिएगा। अच्छा गुरुदेव की जो मधुर स्मृतियां हैं महाराज जी। हरे कृष्ण। ओके ओम अज्ञानतिमिरांध्रश्च ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ओं वृंदावी तुलसी देव
वै प्रिया वै केशवश्च कृष्णभक्ते सत्तभक्ते नमो नमः। भक्ताभिना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दम्। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितां वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। हा देवी काकुवर गदगदयाद्वाच जाचिनी पत्ते भुवि दण्डवदुर्भुटार्ति अश्र प्रसाद ममदश्र जनाश्र कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणनां विदेहि। अंगश्यामल विछटा मंदी कितेन्द्री वरंग जड्डंग जाजु गुड़ रोचि संग पट्टम पट्टम बरस श्रिया बिंदारण वासन दुर सद्धाम दामोदरम राधा स्कंद निवेश रज्जरो भुजंग धैयं सुदामोदरम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरी दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री रामन गोस्वामी महाराज एवं मेरे शिक्षा गुरु सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव वैष्णववृंद गौरगत सज्जन वृंद हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज प्रभु जी मुझे आदेश दिया श्रील महाराज की कुछ मेरे जीवन की कुछ स्मृतियां को जो है स्मरण करने के लिए। वास्तव रूप में वो स्मृतियां जो हृदय विदारक है क्योंकि प्राचीन कवियों की भाषा में कहा जाता है स्मृति तुम्हें वेदना अर्थात पुराने दिनों की कथा हृदय में आने के साथ ही साथ हृदय द्रवीभूत हो जाता है किंतु मादृश पाषाण हृदय सदृश होने के नाते मेरे हृदय द्रवीभूत नहीं हो रहा है। यह मेरा दुर्भाग्य है किंतु तथापि गुरुजनों की आदेश पालन करके मैं श्रील महाराज की कुछ कथा स्मरण करना चाहता हूँ। मैं जब पहली बार नवदीप धाम में आए थे उस समय देवानंद गौड़ीय मठ में कोई सन्यासी नहीं थे, सब सन्यासी बाहर चले गए अर्थात श्रीमान महाप्रभु की जन्मतिथि उपलक्ष में यानी गौर पूर्णिमा के उत्सव के लिए अधिकांश सारी ब्रह्मचारी सन्यासी अनुकूल संग्रह के लिए चले गए थे। उस समय मेरे चाचा जी श्री मधुसूदन महाराज कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी के चरण दर्शन मुझे प्राप्त हुई और उन्होंने कृपा करके मुझे नवदीप धाम तथा अपने चरण कमल के स्थान दिया। हरि कथा के मित्र मेरा बचपन से ही एक विशेष पिपाशा यानी तृष्णा था। हरि कथा श्रवण कीर्तन में मेरे अधिक रुचि में रखता था। मठ में जो कथा आदि ब्रह्मचारी लोग बोलते थे उसमें संतुष्ट नहीं था, इसलिए मैं बीच बीच में नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद
अष्टोत्तर शतश्री श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के पास जाते थे और उनकी कथा आदि में श्रवण करता था। इसके पास बात करी करी दो महीने के बाद श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज यह मथुरा से नवदीप धाम में पधारे। मेरे याद है प्रथम गुरुदेव की जानी श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी के चरण कमल की संदर्शन से ही मेरे हृदय में एक अपराकित दिव्य भावना उत्पन्न हुई। मैं जीवन में समझ गया यही मेरा अंतिम जीवन है, अंतिम मेरा समय है, ये ऐसे संत महात्मा की चरण कमल की दर्शन हुई। मैं मानी मान श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अपने को मैं समर्पित किया। अभी वो स्मृति स्पॉट में मेरा उदित होता है, जय दिवानंद गौड़ीय मठ में श्री गुरुदेव के साथ मेरा दर्शन हुई। उस समय गुरुदेव के ऐसे सुंदर सुहास्य बदन, अत्यंत मनोहारी जिनकी नयन कमल और जिस नयन आदि दृष्टि के द्वारा सभियों के चितवन के जो है वो चुराने वाले थे, और मैं भी उठी उसी कड़ी में जब उनके चरण के स्पर्श किया एक दिव्य अनुभूति मेरा अनुभव हुई। वास्तव रूप में शब्द के द्वारा वो व्यक्त करना संभव नहीं है, तथापि मेरे याद है श्री गुरुदेव मुझे प्रथम संदर्शन में मुझे पूछा, अर्थात मैं कहां से आया, मेरा संबंध कहां तक है, किसके साथ संबंध है, इसके बारे में पूछा। मैं सारी कथा को मैंने उनके निकट व्यक्त किया, तब उन्होंने कृपा करके मुझे यह बताया, ये मनुष्य जीवन के एकमात्र कर्तव्य है हरि भजन, और विशेष करके मुझे यह पूछा क्या तुम हरि नाम करते हो। मैंने कहा मैं मन ही मन हरि नाम करता हूं, अंगुल में मैं नाम करता हूं। गुरुदेव ने कहा ये देखो मन मन में नहीं है, उच्च सर से और तुलसी माला में जप माला में नाम करना चाहिए। मेरे हृदय में ऐसी उत्कंठा हुई इस कथा को सुन करके, ये मेरे अंतर हृदय से ऐसे आने लगे यदि उसी समय गुरुदेव यदि मुझे जपमाला दे तो मैं अपने जीवन को मैं धन्य मानता हूं। ना जाने गुरुदेव उसी समय मेरे हृदय के भाव कैसे जान लिया, और उसी समय गुरुदेव मुझे एक तुलसी माला, आज जो मैं वो तुलसी माला को अभी तक जो मैं जप करता हूं वही गुरुदेव श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज मुझे जपमाला और हरिनाम दिया था। अर्थात श्री गुरुदेव यह हमें समझाया जे केवल मन मन के द्वारा ही भजन नहीं होता है, भजन होता है नाम, उच्च स्तर से नाम के द्वारा। गुरुदेव ऐसे मुझे समझाया, और तुलसी माला जपनानी तुलसी माला के द्वारा नाम करना चाहिए, ये भी गुरुदेव मुझे हृदय में प्रेरणा दी और शिक्षा आदि दी, और अनंतर मैं गुरुदेव के स्मरण करके नाम करता था। फिर इसके कुछ दिनों के बाद करी एक महीने के बाद मरिय दीक्षा गुरुपाद व नित्य लाभ प्रसंग विष्णुपाद अष्टोत्तर सचमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नवद्वीप धाम में पधारे। उस समय गुरुदेव भी विराजमान थे, और गुरुदेव के साथ नारायण महाराज के एक अपूर्व सौहृद प्रेम सूचक वार्तालाप और व्यवहार को देख करके मेरा हृदय संपूर्ण रूप से आकृष्ट हो गए। मैंने देखा श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जब आने लगे और नृसिंह तोरण अर्थात नवद्वीप धाम की देवानंद गौड़ी मठ की जो नवद्वीप में जो मठ उसमें जो नृसिंह तोरण गुरुदेव जब प्रवेश करने लगे, श्री गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज उनको देख करके कैसे साष्टांग प्रणाम किया, ये मुझे देखने के लिए सौभाग्य प्राप्ति हुई। और श्री गुरुदेव भी अपने सतीर्थ ज्येष्ठ गुरु भ्रातक कैसे उनके सम्मान किया, ये सब देखने के लिए
सौभाग्य पाते हैं। गुरु भ्राता और उनके प्रति सम्मान एक अपूर्व, आज ये समस्त देखना बहुत कठिन मिलता है, बहुत दुर्लभ होता है। अंत में मेरा स्मृति पद में इतना ही आता है, जब मेरा हरिनाम के लिए जब मैं श्रील बामन गोस्वामी महाराज के पास गए, तो बामन गोस्वामी महाराज श्रील मेरे हाथ में जपमाला को देख करके मुझे कहा, ये जपमाला कहाँ से प्राप्ति हुई। मैंने निष्कपट रूप में बताया, तो अब उन्होंने कहा कि मेरे जपमाला के जो है अपने सिर पर रख करके प्रणाम करके मुझे वापिस दे दिया। उसको देख करके मेरा मैं रोने लगा। ये गुरुदेव जैन बामन गोस्वामी महाराज सबके जपमाला जप करके दे रहे हैं, हरिनाम दे रहे हैं, और मेरा मेरा माला को बस सिर पर धारण करके मुझे वापिस दिया। मैं थोड़ा रोने लगा। उस समय कोई ब्रह्मचारी कहने लगे, देखो श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जिसको जपमाला दे देते हैं, श्री गुरुदेव उसके पुनः नहीं देते हैं। और मैं किसी प्रकार हृदय को धारण करके शांत करके फिर इसके दोल पूर्णिमा के समय, दीक्षा आदि के समय मैं जब गए, श्री गुरुदेव कहने लगे, ये पहले नारायण गोस्वामी महाराज से आदेश लेकर के आओ, जब तक नारायण महाराज के आदेश नहीं हो, गुरुदेव नित्य लाभ भक्त वेदांत बामन गोस्वामी महाराज उनके दीक्षा नहीं देते थे। आदेश लेकर के आने पर उन्होंने दीक्षा मंत्र, गायत्री मंत्र आदि प्रदान की। श्री गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज के जीवन की आदर्श और श्री नारायण गोस्वामी महाराज के जीवन की आदर्श में एक विशेष वैशिष्ट मैंने परिलक्षित किया, देखा। ये जब तक नारायण गोस्वामी महाराज आदेश नहीं देते, तब श्री गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज दीक्षा हरिनाम नहीं देते। यहाँ तक भी लाल कपड़ा आदि, यहाँ तक भी सन्यास के समय भी हम भी देखा, ये कहते थे पहले नारायण गोस्वामी महाराज जी से ही आदेश आदि लिया जाए। इसलिए मेरे गुरुदेव श्री बामन गोस्वामी महाराज नारायण गोस्वामी महाराज की इतने गुरुवत सम्मान आदि करते थे। यद्यपि बामन गोस्वामी महाराज उनसे भी वयस्क भी है, और पहले भी प्रभुपाद से, भक्तिवंत प्रभुपाद से हरिनाम ग्रहण किया, और पहले जो है उन्होंने श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनसे भी दीक्षा मंत्र ग्रहण किया, तथापि उन्होंने श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के कैसे गुरुवत सम्मान करते थे। यह तक भी उन्होंने सब कथा में एक शब्द यूज करते थे, जैसे श्री नारायण गोस्वामी महाराज मेरा गार्जियन है, गार्डियन है, गार्जियन, ये शब्द वो यूज करते थे। सौहृदति भाव की एक अपार महिमा दोनों में हम लोग दोनों के ऊपर देखा, किस प्रकार मित्रता सौहृदता एक अभावनीय था। यह तक भी मेरे गुरुदेव श्री बामन गोस्वामी महाराज जब मथुरा में आते थे, और कैसे दोनों एक दूसरे के प्रति प्रीति सुन वो हो गए एक अपूर्व था। यह तक भी जब यही मथुरा मठ में जहां पर हम बैठे हुए हैं, इसी स्थान पर श्री गुरुदेव जब बैठते थे, पहले कहते थे नारायण गोस्वामी महाराज बैठे, इसके बाद मैं बैठूंगा। पहले श्री नारायण गोस्वामी महाराज हरि कथा बोले, इसके बाद मैं कहूंगा। मेरे गुरुदेव जो कुछ नाजुक थे, लज्जाशील, समस्त तत्व जानते हुए पर भी, तथापि श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज की जो है सर्वोत्तम आसन पर बैठाते थे। तिनाद भी सुनी तरुव सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदाहरि, इस श्लोक के मूर्तमान प्रतीक थे। और श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज भी कैसे ब्रज प्रेम में विभावित होकर के ब्रज की कथा महात्म श्रवण कराते थे। श्री गुरुदेव की नारायण गोस्वामी महाराज की कथा की एक विशेष वैशिष्ट मेरा याद है, जितने भी कथा बोलते थे सभी कथा के घुमा फिरा करके
अंत में ब्रज गोपियों की प्रेम महात्मा वर्णन करते थे, क्योंकि रूप रघुनाथ की कथा ही जीवन की सार है। जिस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं रूप रघुनाथ पदे रघुमरास, रूप रघुनाथ की कथा ही हमारे एकमात्र जीवन की जो है सार बताते हैं। श्रील गुरुदेव की विशेष एक वैशिष्ट उनकी स्नेहशील और उनकी स्नेह भरा ये एक दृष्टि, वो एक अपूर्व था। किसी के भेदभाव नहीं करते थे। उस समय गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज हरिनाम देते थे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन गौड़ीय वेदांत समिति आचार्य नित्यलाभ प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतवा भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज। इसलिए श्रील वामन गोस्वामी महाराज ही गायत्री मंत्र दीक्षा मंत्र आदि देते थे। श्री नारायण गोस्वामी महाराज उस समय कुछ विशेष विशेष लोगों की यह हरिनाम देते थे। कभी कभी हम लोग भी गुरुदेव के निकट कुछ अभिमान करते थे, क्योंकि अत्यंत सघनिष्ठ घनिष्ठ होने के नाते हम लोग गुरुदेव के पास जाने गोस्वामी महाराज कभी कभी एक शब्द कहते थे, ये हम लोग तो आपके शिष्य नहीं है, हम तो बावन गोस्वामी महाराज के शिष्य है। तो ये शब्द कहने पर गुरुदेव इतने सुंदर वचनों के द्वारा हमें सांत्वना प्रदान करते थे। कहते एक शिष्य होता है स्वकीय शिष्य होता है और एक होता है परकीय शिष्य होता था। गुरुदेव स्वकीय और परकीय शिष्य के बारे में कहते थे। जिस प्रकार गुरुदेव उदाहरण देते थे, देखो मथुरा अथवा द्वारका में कृष्ण के महिषिया के कहा जाता है स्वकीय कहा जाता है, और ब्रज में गोपियों की कहा जाता है परकीय। जो स्वकीय अपेक्षा परकीय की विशेष महत्व गुरुदेव वर्णन करते थे, और इतने सुंदर सहस्त्र बच्चों के साथ हम लोग के साथ प्रेम प्रीति व्यवहार आदि करते थे। और ये समस्त कथा स्मृति पाठ में उदित होता है। गुरुदेव की वह स्मरण हमारे हृदय को जो है द्रवीभूत करते। वास्तव रूप में श्री गुरुदेव कभी आपन और पर विचार नहीं रखते थे, जिससे हम अंतिम तब गुरुदेव की एक आदर्श को देखा। जितने भी मटके जी शिष्य गुरुदेव के पास आते थे, गुरुदेव केवल अपने आंखों की जानी दृष्टि के द्वारा सभी के जो है चित्त बन के जो है आकर्षित कर लेते थे। जिस प्रकार विल्लमंगल ठाकुर कृष्ण के कहते हैं ब्रजे प्रसिद्धंग नवनीत चौरंग गोपांगनां च दुगर चौरंग अनेक जन्मार्जित पाप चौरंग चौरंग अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। वास्तव रूप में ये श्लोक श्री गुरुदेव के ऊपर भी अप्लाई होता है। गुरुदेव जिसके एक बार दृष्टिपात करते थे, उनके चित बन के जो है चोरी कर लेते थे। गुरुदेव के आविर्भाव तिथि की भी एक विशेष कार्य थे, अमावस्या तिथि में उन्होंने प्रकट हुए। यहां तक भी शास्त्र में भी कहा गया जो अमावस्या में जो जन्म लेते हैं वो चोर बनता है। तो गुरुदेव अमावस्या तिथि में मौनी अमावस्या में प्रकट हुए, और गुरुदेव भी चोर, इस संसार के चोर, जागतिक चोर जो है जागतिक मटेरियल धन को चोरी करते हैं, किंतु गुरुदेव शिष्य के हृदय की जो है वो चोरी करते हैं। जिस प्रकार कृष्ण ब्रज गोपियों के हृदय की चोरी करते हैं, उसी प्रकार श्री गुरुदेव समस्त भक्त की जो है हृदय को जो है चोरी करके अपने सेवा में लगाते हैं। ऐसे महान पुरुष की स्मरण कैसे बताऊं? मेरा स्मृति पाठ में और कुछ आता है, समय संक्षेप होते के नाते मैं एक कथा भी स्मरण करता हूं। 2010 गुरुदेव की जो
अंतिम गोवर्धन की परिक्रमा जहां पर गुरुदेव उस समय अशुष्ट लीला कर रहे थे, अंतिम दिन यानी पूर्णिमा के दिन मैं गुरुदेव के कक्ष में गया था और उस समय गुरुदेव के प्रणाम करके मैं जब उठे, गुरुदेव मुझे कहा क्या तुम प्रचार में जा रहे हो कि नहीं। मैंने कहा हाँ गुरुदेव, मेरे तो टिकट तो है अमेरिका यूएस जाने के लिए। मैंने गुरुदेव के चरण पकड़ करके इतना ही कहा, गुरुदेव मैं इस समय प्रचार में जाना नहीं चाहता हूं, मैं आपके चरण कमल की सानिध्य में रहना चाहता हूं। उस समय गुरुदेव मेरे सिर पर हाथ रख करके इतने ही कहने लगे, ये देखो प्रभुपाद के यानी भक्तिवंत प्रभुपाद की वाणी है, प्राण आचे जेतु सेतु प्रचार। प्रचार ही हमारे गौड़ीय वैष्णव की एक विशेष वैशिष्ट। और गुरुदेव उस समय सुंदर स्वहस्य बदन और स्नेह से आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, ये देखो तुम जाओ और जल्दी जल्दी आना और मैं भी तुम्हारे साथ नवद्वीप में मिलूंगा, मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। गुरुदेव ये बोले मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं नवद्वीप परिक्रमा में और नवद्वीप धाम श्री श्री केशव जी गौड़ीय मठ मैं तुम्हारे साथ जरूर मिलूंगा, तुम जाओ। गुरुदेव मुझे इसी प्रकार आशीष वचन दिया। गुरुदेव के इस वचन के ऊपर विश्वास करके मैं उस समय अमेरिका चले गए थे। मेरा याद है ह्यूस्टन में जब गुरुदेव के बारे में मैं कुछ बात कर रहा था और उस समय 29th of December सुबह के समय, उस समय उधार के समय जो है मैं विचार कर रहा था, कुछ मुझे आज ऐसे अपशकुन लग रहा है, पता नहीं मन की कुछ चंचलता है। और उस समय उसके उस दिन भी मेरा टिकट था मायामी से रियो डी जेनेरो ब्राजील जाने का, क्यों जबकि पता नहीं क्या हो गया मन में ऐसी, तथापि मैं प्लेन में चढ़ गया और चले गए। जब ब्राजील में जब उतरे और तब मुझे यह समाचार मिली, गुरुदेव की अंत ध्यान की लीला की मेरा समाचार मिली, यह बड़ा हृदय विदारक है। वह गुरुदेव की स्मरण बहुत दूर होने के बाद मैं गुरुदेव की अपराकृत कलवर समाधि में उपस्थित हो नहीं सका। वास्तव रूप में यह हृदय में स्मृति पाठ में रहने लगे और यही मैं चिंतन करने लगा, गुरुदेव ने जो कहा जे मैं तुम्हारे साथ नवद्वीप में ही मिलूंगा। गुरु मुख पादों वाक्य चित्त दे करी ऐक, वास्तव गुरुदेव आज ही प्रकाश रूप में और नवद्वीप धाम में वह पर विराजमान है। वह गुरुदेव की कथा जिस स्मरण और गुरुदेव के आशीर्वाद मैं अभी आज भी मैं स्मरण करता रहता हूं। जितने में जीवन मेरे जीवन की जो घटना जो कुछ भी हुए वह समस्त घटना की केंद्रभूत है वही मेरा रहता है। यही केशव जी गौड़ीय मठ में हम गुरुदेव के सेवा के लिए अपने को समर्पित करते थे। जो कुछ भी मुझे प्राप्त होता था अनुकूल गुरु वैष्णव के मठ की सेवा के जो कुछ अनुकूल मुझे प्राप्त होता था मैं गुरुदेव के जो है समर्पित करते थे। यहां तक कि केशव जी गौड़ीय मठ की जो निर्माण कार्य उसमें मैं यथाजथ अपने तन मन जीवन देकर भी
सेवा करने के लिए मैं प्रयास किया। मैं कोई आत्म प्रशंसा नहीं करते, किंतु तथापि प्रसंग क्रम से आ जाते हैं गुरुदेव के प्रति ऐसे। और मैं कई बार भी अस्वस्थ हो गए, किंतु गुरुदेव की कृपा दृष्टि, गुरुदेव के जो है अपने वरद हस्त स्पर्श प्राप्त करके मैं सजीव हो जाता था। और यही मेरा स्मृति पाठ में आज भी जागृत होता है। यह केशव जी गौड़ी मठ की एक सौध, एक हमारे स्मरण पाठ में इधर ही यहीं पर रहता है। एक स्मरण कथा में, एक गुरुदेव की कथा में स्मरण करता हूं। जब जब मैं भिक्षा में जाता था, जब जब सीजन में जो कुछ भी फल मुझे प्राप्त होता था, वह फल मैं गुरुदेव के देता था। कभी कभी प्राप्त नहीं होने पर भी मैं भिक्षा की कुछ पैसा जो है उसके द्वारा गुरुदेव के लिए कुछ सब्जियां खरीद करके लाते थे, जैसे लौकी। बहुत गुरुदेव के जो है लौकी जो बहुत प्रिय था, और ऐसे सुंदर लौकी मैं बाजार से कभी खरीद करके लाते थे। अथवा कभी कभी और उस कॉलोनी में जाते थे और जिसके घर में ये सब सब्जियां देखते थे, मैं उनसे भी भिक्षा करके मैं गुरुदेव को जब देते थे, गुरुदेव प्रसन्न होते थे। क्योंकि गुरु सेवा ही यही जीवन की साथ है, जीवन की उद्देश्य है। ये जस प्रसादाद भगवत प्रसादो, जस प्रसाद नगद कुतोपि धैंस वंत जसस्त्री स्तंभ वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसी को मैं स्मरण करता था। गुरुदेव की चरण कमल में रहने की सौभाग्य प्राप्ति हुई। गुरुदेव की हरि कथा इतने सुमधुर, जिससे मेरा हृदय जो है सब सदा सर्वदा आकृष्ट करके रखता था। मैं जहां पर भी भिक्षा में जाता था, गुरुदेव की हरि कथा की प्रारंभ होने के पहले ही मैं पहुंच जाता था। कभी कभी किस कारण से यदि देर हो जाते थे, गुरुदेव कहते थे वो सुबल से कहां गए, अथवा ब्रह्म महाराज जी कहां गए। विशेष करके जन्माष्टमी के समय अनुकल संग्रह आदि के लिए कभी कभी दूर में जाना पड़ता था, आने में देर हो जाता था। किंतु देर होने पर गुरुदेव मेरे लिए कथा की जो है कुछ अपेक्षा करते थे। गुरुदेव स्वयं कहते थे, मैं गुरुदेव के जब कमरे में जाते थे, गुरुदेव ने कहा जे देखो तुम अभी आए नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मैं अपेक्षा कर रहा था। एक कथा किसी को मत बोलना, कि तुम जो बोले और दूसरे व्यक्ति हमारे ऊपर अभिमान प्रकाश करेंगे। गुरुदेव के कमरे में जब जाते थे, कभी कभी गुरुदेव ऐसे बोलते थे, गुरुदेव यहीं तक भी बोलते थे, देखो आज ये कथा जो बोला, ये देखो तुम लोग हमारे सामने बैठी हुए ना, ये समस्त जो कथा अत्यंत गुड़ कथा है, विशेष करके राधा कृष्ण की जो गुड़ कथा जो है, चैतन्य महाप्रभु की जो अंतिम कथा जो है, दिव्य उन्माद दशा की कथा, गुरुदेव वर्णन करने के बाद गुरुदेव यही कहते थे ये देखो तुम लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, इस कथा में ही बता दो। वास्तव वो कथा ही जो है हमारे सार है, जीवन सार है। गुरुदेव की ऐसे अनूठा जो प्रेम प्रति, वो कैसे हम भूल जाए। वह कथा भी अब स्मरण पथ में आते हैं। गुरुदेव कभी कभी हमारे कभी उद्धत देख करके, उद्धता उद्दंड आदि देख करके शासन भी करते थे। जैसे एक कथा में स्मरण करता हूं, एक बार गुरुदेव के साथ हम परिक्रमा कर रहे थे। उस समय में पहली बार क्या बोले 2001 में जो है 2000 में हमें सन्यास हुआ, 2001 में ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे। उस समय हमारे जो है वो प्रेम प्रजन अरुण महाराज, और हम लोग वहीं पर गए थे ब्रह्मांड घाट के दर्शन के पश्चात हम लोग वो जमलार्जुन भंजन दर्शन करे, और उस समय कुछ विदेशी लोग हमारे पास भी एकत्रित हो गए थे। और हमारे स्वभाव होता ही है, मेरे सामने कोई आ जाए और कथा सुनने के लिए कोई उद्ग्रीव हो, उत्कंठित हो, मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। मैं कोई समय देखता नहीं, मैं बोलना
शुरू कर दिया और थोड़ा और इतने समय किसी ने कंप्लेन कर दिया गुरुदेव के जो है वन महाराज वहां पर हरि कथा बोल रहे हैं और बस में कोई यात्री नहीं चढ़ रहे। और ठीक उसी समय गुरुदेव आ गए। मैं जानता हूं गुरुदेव की कोई कंप्लेन करे और गुरुदेव उसके जरूर दंड देंगे। देखो मैं भाग्य और प्रेम प्रयोजन को कान पकड़ गुरुदेव के थप्पड़ दिया और गुरुदेव क्या करने लगे उस समय मेरे पीछे पीछे दंड लेकर दौड़ने लगे। अंत में गुरुदेव मुझे दंड दे करके दो मार और कान पकड़ लिया सबके सामने। फिर मेरा भी कुछ भी तो है मन में लगा जो गुरुदेव आज मुझे दंड दिया। रात को प्रणाम करने के लिए जब गए गुरुदेव के पास गुरुदेव कहने लगे के देखो सन्यासी आप लोग सन्यासी है आप लोग को मारना मेरे उचित नहीं है। मैंने कुछ ऐसे कर दिया। मैंने गुरुदेव के चरण कहा दिया गुरुदेव आप हमें जो आज जो कृपा की न भूत न भविष्यति। फिर गुरुदेव को कथा सुनाया प्रभुपाद की वाणी सुनाया जिस दिन गुरु शिष्य के जय दंड देते हैं शासन करते हैं इसके मतलब गुरु उसके अपना ही मानते हैं। जैसे माँ जैसे अपने बच्चा को दंड देते हैं और उसके स्नेह करते हैं। बंगला में एक शब्द था शब्द आता है शासन करे ताहर साजे सुहाग करे जय। शासन करना उसकी यथार्थ होता है जो प्रेम प्रति करता है। इसलिए गुरुदेव भी ये समस्त कथा सुनाया। वास्तव रूप में गुरु कृपा प्राप्त करना है गुरुदेव के शासन के जो है अपने मानना पड़ता है। ये समस्त गुरुदेव की स्मृतियां आती है और गुरुदेव हम लोग के सर्वत्र लेकर के जाते थे ब्रज की परिक्रमा और कैसे स्वयं गुरुदेव जब प्रसाद पाते थे हम गुरुदेव के पास कक्ष में जब जाते थे मेरा याद है गुरुदेव अपने उच्छिष्ट प्रसाद खाते हुए और अपने देते थे। यह सब गुरुदेव उच्छिष्ट प्रसाद प्राप्ति करने के लिए सौभाग्य प्राप्ति हुई है और आज वो गुरुदेव की स्मरण होते हैं। यदि गुरुदेव आज हमारे साथ में रहते साक्षात रूप में रहते और मैं उनकी और क्या बताऊं गुरुदेव मुझे इस कृपा करें जन्म जन्म तर उनकी चरण कमल की सेवा मुझे प्रदान करें। अधिक समय नहीं लेकर के यहाँ पर मेरा अपने वचन को स्मृतियों को जो है यहाँ पर स्थगित करता हूँ क्योंकि समय हो चुका है। आई थिंक टाइम है महाराज जी टाइम है टाइम है टाइम है 15 मिनट आओ बोलिएगा। गुरुदेव की अनेकों स्मृतियां भी हमारे हृदय में आ जाते हैं जैसे गुरुदेव के साथ जहां जहां पर ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते थे उस समय हम लोग परिक्रमा छोटी होती थी ज्यादा से ज्यादा 8-10 ब्रह्मचारी और कुछ ब्रजवासी मिलाकर के 15-20 होते थे और हम लोग गुरुदेव के साथ ट्रैक्टर में बैठ करके आज तो हम बस में कार में बैठ करके जाते हैं किंतु उस समय हम जो ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे शुरू शुरू में गुरुदेव के साथ ट्रैक्टर में बैठ करके जाते थे। गुरुदेव सैंग भी ट्रैक्टर में बैठते थे और बिहार जंगल होते हुए कंटकाकृष्ण पथ होते हुए अंदर में हम जाते थे और गुरुदेव उस स्थान पर जा करके सुंदर कथा आदि वर्णन करते थे। जैसे एक स्मृतियां आ जाते है मेरा जब गुरुदेव के सब जाते थे सुनहरी कदम विखंडी ये कामा होते हुए और जाना पड़ता था। आजकल तो सुंदर रास्ता भी हो गया किंतु आज से 30-35 साल पहले वहां पर कोई रास्ता नहीं था। दोनों तरफ जो है बबुल के पेड़ कांटे के पेड़ और बिहार जंगल भी है। ट्रैक्टर भी जब चलते थे हम भी देखा गुरुदेव के साथ बैठे वह बबुल के डाल जो है वो ट्रैक्टर के ऊपर आकर के वो लग जाता था। मैं भी देखा साक्षात रूप में देखा गुरुदेव हम लोग के साथ वो ट्रैक्टर में ऐसे बिल्कुल ऐसे करके बैठते थे और वो बबुल के कांटा आकर के गुरुदेव के उत्तरी के जो है फाड़ देते थे लिखे कर। और उस समय ऐसे ही था कोई रसोई की कोई व्यवस्था नहीं थी
जहां जहां पर हम लोग जाते थे ब्रजवासियों के घर से जो है माधुपुरी करके ले आते थे, ब्रजपुरी पर भी ब्रजवासियों के घर से रोटी और नींबू की जो है अचार पिकल्स वो लेकर के आते थे और हम लोग गुरुदेव के दे देते थे और गुरुदेव उसके ग्रहण करके अपने उच्चिष्ट सबको बांट देते थे। उस समय की और उस समय कथा भी गुरुदेव के जो उस समय कथा सुनहरी कदम कंडी की कथा भी बहुत सुंदर है, कैसे स्वयं श्रीमती राधिका अपने गले के सोने के हार शिव जी को कैसे प्रदान की। यहाँ पर कदम भी खंड सुंदर सदन कदम वृक्ष ऐसे सुंदर जो स्थान दिव्य अपराकित स्थान जो है जहां पर कृष्ण के साथ मिलन के लिए स्वयं श्रीमती राधिका शिव जी को कैसे संतुष्ट करते थे और ऊपर के पहाड़ों के झाड़ी के ऊपर कृष्ण गोचारण करते करते अपने प्रिय नर्म सखा आदि के साथ आकर के कैसे कृष्ण के श्रीमती राधिका के साथ अनेक प्रकार जो है विहार प्रेम विहार आदि करते थे। वह पर सुंदर सुंदर अपराग्ध दिव्य कुंज है अभी तक भी जाने से पता लगता है ये वास्तव वो स्थान क्या है। गुरुदेव यहाँ पर जाकर के बताते थे, मेरा आज तक याद है गुरुदेव के वह सस्य बदन और उनकी सुंदर नीलाभ दृष्टि और उसके द्वारा कैसे गुरुदेव भाप में विवाहित होकर के वो समस्त कुंज की लीला आदि कथा आदि वर्णन करते थे। स्मृति पद में अभी तक उदित होते हैं जब हम लोग गुरुदेव के साथ वह पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते थे और चारों तरफ दिखाई पड़ता था, देखो कैसे सुंदर सुंदर मयूर मयूर के नृत्य। हमें याद है जब गुरुदेव के साथ वही सुनहरी 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 कदम खंड के ऊपर चढ़े और देखा क्या नीचे जमीन पर जो है सुंदर स्थान ऐसे सुंदर कृष्ण के मानो गोचारण भूमि आज तक विराज विद्यमान है दिखाई पड़ता है और मयूर मयूरी कैसे पंखा फैला करके कैसे नृत्य आदि करते हैं, कोयल कैसे कुहकते हैं, वो अपराजित स्थान है। आज तक भी जाने से पता लगता है ये वो ब्रज की एक निराला वो स्थान है। क्या शब्द की धारा क्या भाव व्यक्त करें, वो गुरुदेव वहीं पर जाकर के कृष्ण की अनेक जो है गुज्जाति गुज्जतम निकुंज लीला आदि के कथा वर्णन करते थे। गुरुदेव की ऐसे कथा ऐसे सुंदर था मधुर जो है यह तक भी ये हमारे इस्कन मठ से जो है ये तमाल कृष्ण महाराज गिरिराज महाराज ये लोग भी कभी कभी गुरुदेव के साथ जब जाते थे तो गुरुदेव कृपा करके उनके गाड़ी में तब तो हमारे केशव जी गोड़ेवड़ में कार भी नहीं था, कार तो बहुत दूर की बात है, दोनों टाइम चावल खाना बहुत कठिन था। वो स्मृति गाड़ी के बात क्या कहें, कार के बात हम क्या कहें, उस समय की बात जो है हम बंगाली होने के नाते चावल खाने की हमें आदत है, रोटी खा नहीं पाते हैं और गर्मी के समय रोटी खाना और भी हमें क्या हो जाता है मुश्किल हो जाता था। आज की जो जो स्थिति और उन समय की स्थिति में ना जानी आसमान जमीन फर्क है। गाय के मुख से जो फूल गोभी लाए थे महाराज, वो गाय के मुख से जो फूल गोभी लाए थे, देखो अभी प्रभु ने मुझे तो कहने लगे, देखो हम उस समय हमारे मठ की स्थितियां क्या बताऊं, हमारे पास इतने गुरुदेव के पास इतने आर्थिक उन्नति नहीं था, अत्यंत संकुलन था। हमारे ये धर्मशाला के जो है मैनेजर थे कुंज बिहारी प्रभु, सुबह 2 रुपया प्रातः केवल दोपहर के लिए 3 रुपया देते थे और शाम के लिए रात्रि के भोजन के लिए 2 रुपया देते थे, हर दिन में 5 रुपया खर्च करते थे, उसमें सब कुछ खरीद करना पड़ता था। हमारे प्रेमानंद प्रभु तो भंडारी थे, ये तो केशव जी गौड़ीय मठ के माँ की रूप में ही माना जाता है, तो वो क्या करते थे नीचे बलदेव के दुकान यहाँ पर जो है उसी दुकान से तेल आदि और सब खरीद करते थे। वो तेल आजकल जैसे टीन टीन के क्या बोले रसोई घर में टीन के पीपा रहता है, तेल के पीपा रहता है, उस समय तो टीन की बात दूर की बात है, यही नीचे से जो है 50 ग्राम सरसों तेल आता था और रात में जो है मेरा याद नहीं है सिर्फ थोड़ा कम होगा
तेल लेकर के था। सारा दिन में जो है ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम तेल सरसों तेल व्यवहार नहीं होता था आश्रम जी। और उसमें भी है प्रमाण के उसमें सब कुछ चलाना पड़ता था। उस समय इतने बाहर के लोग भी आमदनी नहीं होता था। आजकल जैसे लोग सहज रूप में कुछ देख करके जाते हैं, जैसे है दादू से भिक्षा में भी आता है, ऐसे भी लोग भी दे जाते हैं। उस समय ऐसे ही नहीं था है। तो आप एक बार की स्मरण स्मृति आ जाता है या हम और प्रेमानंद प्रभु, प्रेमानंद के साथ हमारे साथ जो शुरू में इतने घनिष्ठ प्रेम मित्रता थी। प्रेमानंद के साथ मैं हर रोज जो है बाजार में जाते, निकट में जो है होलीगट के इस पास पास में जो यहाँ पर बाजार था, वो आजकल जो मंडी चला गया ना, ये मंडी यहीं पर था, सभी लोग जानते हैं है? देखा है ना ये मंडी की जाए, इस मंडी में हम जाते थे उनके साथ है? तो मैं जो है बस वो थैला के जो है पीछे लटका करके जाता था, प्रेमानंद के साथ पीछे पीछे में चलता था है? तो उस समय क्या था, प्रभु जी के पास तो इतना पैसा ही नहीं था खरीदना है, क्योंकि 3 रुपया दिया उसमें तो 1 रुपया 1.5 रुपया तो तेल मसाला आदि खरीदने में चला जाता था, और बाकी ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 रुपया मिल रहता था, उसमें सारे सब्जियां और कुछ खरीदना था। तो क्या करता था सिर्फ प्रभु जी प्रेमानंद कहते हैं क्या करते थे वो क्या बोले, जो बाजार में जो आलू जो है जो कीड़ा लग जाता है, बस छोटा छोटा आलू फेंक देते थे, हमें मैं और दोनों जो है एक एक करके बीन लेते थे चुन कर रखते। और एक दिन का यही अब इस महीने की कथा हमें भी विस्मरण आ रहे हैं है? यही जो अघन मास पौष मास के बाद इस समय जो है बंद को भी होता है। देखो एक दुकानदार ने किया कि एक सड़ा गला जो है बंद गोभी को फेंक दिया, तो प्रेमानंद प्रभु ने किया कि उसको लेकर के मुझे दिया है? और फिर वो दूसरी जगह में कलेक्ट करने लगे, मैं एक जगह में खड़े हुए है? देखो मैं वो देख करके मन ही मन में विचार करने लगे, देखो मेरा खेती में कितना बंद गोभी होता था और आज एक थोड़ी सी सोडा कला बंद गोभी के प्रभु ने मुझे दिया रखवाल करने के लिए, मैं इतने ध्यान नहीं दिया और इतने समय एक गाय आकर के बंद गोभी को जो है लेकर के भागने लगी। ये बांध को गाय ये आकर के बांध को भागने लगे, मैं हाय करने लगे, प्रेमानंद प्रभु उस समय आ गया, प्रेमानंद प्रभु ने क्या की उसको छीनने उसके लिए अच्छा उसके गाय से लेकर के फिर आधा काट करके गाय को खिला दी है? और आधा जो है वो लेकर के मुझे प्रेमानंद आते आते कहने लगे, देखो आज भगवान की कृपा क्या, उन्होंने एक पहले एक श्लोक तुम सीख लो। बोले क्या श्लोक है, ले नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैंने बहुत अच्छे श्लोक है तो मैंने गुरुदेव मैंने कहा महाराज ये मैंने कहा प्रभु जी इसके क्या तात्पर्य है, देखो आज है हमारे बांध गोभी, मैंने कहा ये बांध गोभी गाय के मुख से है तू जानते नहीं, देखो बांध गोभी जो है आज 3 लोगों के सेवा हो गया, मैंने 3 लोग को हो गया कौन कौन, अरे नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। उन्होंने मुझे क्या बोले, देखो है आधा जो है गाय को दे दिया है, गो सेवा हो गया। जो गाय लेकर भाग रहे था ना उसको आधा काट करके गाय को दे दिया है, तो कितना हो गया गो सेवा हो गया। अब मैं भी मन ही मन विचार करने लगे है ये देखो है जी उड़ो खोई गोविंदा है अच्छा चलो गो सेवा हो गया। मैंने कहा अच्छा ब्राह्मण सेवा क्या है, जानते हो गुरुदेव तिवारी है ब्राह्मण है ना, इसलिए गुरुदेव के सिवाय ब्राह्मण सेवा हो जाएगा। मैंने कहा आप ही तो ब्राह्मण है, हे नहीं गुरुदेव ब्राह्मण है, हैं क्यों प्रेमानंद प्रभु तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। मैंने कहा मेरे मुख से निकल गया, मैंने कहा आप हे नहीं नहीं गुरुदेव ब्राह्मण है, तिवारी ब्राह्मण है त्रिवेदी ब्राह्मण है, अजय गुरुदेव तो इसके गुरुदेव के सेवा में जाएगा है। और तीसरी क्या कृष्ण सेवा हो गया, ठाकुर जी के भोग लगाएंगे इसलिए ये बांध गोभी का जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे ऐसे हमने के दिन बिताया है। उस समय ऐसे नहीं था आजकल जैसे, उस समय सभी ब्रह्मचारी के प्रातः काल में 2-2 रोटी और है वो दिया जाता था क्या बोले नींबू के आचार। मेरा याद है मैं वेटनरी में जाता था, वहीं पर बहुत नींबू होता नींबू हो है, उसको मैं लेकर के आता था बड़ी भर कर लेता था, और प्रेमानंद प्रभु ऊपर छात में
राखी के उसमें काट करके नींबू के अचार बनाते थे। और प्रातः काल में यानी भोजन ब्रेकफास्ट में सभी ब्रह्मचारी के जो है दो दो रोटी, तीन रोटी नहीं, दो दो रोटी सबको दिया जाता था है। किंतु उस समय सब कुछ है, सब यही था सब है। और कभी कभी क्या है, प्रमानंद प्रभु मेरा जो ये था थोड़ा मेरा आलू के जो है भाजा जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो प्रमानंद क्या करते थे, वो जो छोटा छोटा आलू है ना, बिल्कुल छोटा छोटा है, मार्बल से भी कांच मार्बल होता है ना, ऐसे छोटा छोटा जो होता है उसको काट करके देखो उसके थोड़ा सा तेल दे करके भून देते थे और उसके सबको देता था है। तो उस समय के दिन चला गया है। प्रमानंद प्रभु सबको कैसे स्नेह प्रीति आदि रखते थे, गुरुदेव की सेवा आदि करते थे। प्रमानंद की महिमा क्यों, गुरुदेव की महिमा कहने के साथ ही साथ प्रमानंद की महिमा भी मुझे बोलना पड़ता है। देखो कभी कभी माधव महाराज यानी उस समय नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी कहीं कहीं वो कालेक्शन में चले जाते थे, जैसे कभी दिल्ली चले जाते थे और कभी वो नैनीताल चले जाते थे और कभी वो क्या बोले कानपुर में भिक्षा में चले जाते थे। ज्यादा दिन के नहीं है, 8-10 दिन के लिए चले जाते थे। उस समय नवीन ब्रह्मचारी जो है मुझे गुरुदेव की सेवा भार मुझे देते थे, गुरुदेव के कपड़ा साफ करना मैंने गुरुदेव के लिए रसी बनाना ये मैं कहेंगे। तो प्रमानंद प्रभु तो सारे भंडारे भी देखते थे, रसोई भी बनाते थे। आज तक भी सुनाते प्रमानंद भी रसोई आज तक भी इतने अधिक उम्र में भी है, तथापि प्रमानंद प्रभु जो है रसोई बनाते हैं है, समझे है, साक्षात राधानी की सेवा करते थे है। तो गुरुदेव की सेवा जो है वो क्या करते थे, सिर पर तेल लगाते, क्योंकि गुरुदेव जो है जब शयन करते थे गुरुदेव के, जब तक उनकी सिर पर तेल नहीं लगाए और उनके चरण नहीं दबाए गुरुदेव की नींद नहीं आती। मैंने देखा प्रमानंद प्रभु जो है गुरुदेव के सिर पर तेल लगाते थे और मैं उनके चरण सेवा करता था है। और गुरुदेव की सेवा की महिमा मेरे स्मरण आता है, यही जो बरामदा जो है आप देख रहे हैं, उस समय कोई पंखा नहीं था यहाँ पर नाट मंदिर में, वो ब्रिटिश एक पंखा था वो भन 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 के घूमता था और वो शब्द होता था पता नहीं वो तो कहाँ अभी चले गए, कुछ समय तो नीचे पड़ा हुआ था वो भन 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 के ब्रिटिश पंखा जो है बड़ा पक्षा पंखा होता है, ये जो प्लेट जो होता है बड़ा होता है और शब्द होता है भम 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 के शब्द है। यहाँ पर हम लोग जब सो जाते थे पंखा चला करके गुरुदेव इसको क्यों चलाते हो, तो गुरुदेव वहां पर जो सोते थे तो उस समय गुरुदेव की ये देखो, इसमें विशेष करके गर्मी के समय कभी कभी लोड शेडिंग हो जाता है, पंखा भी नहीं चलती है। तो गुरुदेव के सेवा हम लोग के साथ कैसे करते थे, हर ब्रह्मचारी के 2 घंटे पंखा चलाना माने पंखा हवा करना पड़ता था। गुरुदेव यहाँ पर जब सोते थे हर ब्रह्मचारी सुबह माने रात को 8 बजे की 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक गुरुदेव हवा करना पड़ता था गुरुदेव वहां पर। तो दो दो ब्रह्मचारी जो है वो हवा करते थे, माने एक ब्रह्मचारी 1 घंटा दूसरे ब्रह्मचारी 1 घंटा ऐसे करके हवा करते थे, पंखा हवा करते थे। कभी कभी गुरुदेव दयना करके कहते थे देखो मैं तो भजन साधन कुछ नहीं किया और तुम लोग मेरा सेवा करते हो, इसे तुम्हारे फल क्या मिलेगा। कहते गुरुदेव ऐसे कह मत कहिए, हम लोग गुरुदेव के इसी प्रकार सेवा आदि करते थे। गुरुदेव यह पर रात गुरुदेव की ऐसे एक स्नेह ममता प्रति जोड़ गया था वो हम कभी भूल नहीं सकते, वो हृदय में अभी तक ऐसे लगे गुरुदेव की जैसे। और गुरुदेव 3 बजे 3:30 बजे उठ करके हरिनाम करते थे और सभी ब्रह्मचारी को कहते थे तुम सब हरिनाम करो। गुरुदेव स्वयं कहते थे देखो मेरे जीवन के आदर्श देखो मैं क्या करता हूँ। गुरुदेव स्वयं जो है 3-4 बार हम लोग की क्लास देते थे जैव धर्म, 5 साल लगातार जैव धर्म क्लास देते थे, अपने गुरु प्राइवेट क्लास देते थे प्रति संदर्भ तत्व संदर्भ भक्ति संदर्भ ये समस्त गुरुदेव हम लोग पढ़ाते थे, आज तक स्मृतियां है और श्लोक पढ़ाते थे ब्रह्मचर्य के एक श्लोक दिया जाता है, गीता की श्लोक मन शिक्षा शिक्षा स्टॉक उपदेशामृतम ये श्लोक दिया था। कोई कोई ब्रह्मचारी नहीं कर नहीं श्लोक माने बोल नहीं पाते,
तो गुरुदेव क्या करते, उसके खड़ा कर दे, वाह पीछे जाकर खड़े हो जाओ। जैसे स्कूल में जैसे टीचर जैसे शासन करते हैं, जो छात्र विद्यार्थी नहीं पढ़ा नहीं ठीक से नहीं पढ़ नहीं पाते, उसके जैसे शिक्षक जैसे शासन करते हैं, गुरुदेव उसी प्रकार शासन करते हैं। गुरुदेव यहां तक भी कहते, देखो मैं तुम लोग के जो की दो चीज दे करके जा रहा हूं, मेरा चले जाने के बाद एक चीज तुमको कोई नहीं देगा। गुरुदेव की वो कथा हमें अभी तक स्मरण है। यहां तक भी प्रकाश समय कई बार गुरुदेव यहां पर हो सका, किसी ने यदि रिकॉर्ड करके रखा है जरूर आपको वो कथा सुना, किंतु उस समय तो टेप रिकॉर्ड नहीं था है। यदि किसी ने जी रिकॉर्ड करके रखा है आप लोग के ये मिलेगा, गुरुदेव स्वयं मुखारविंद से कहा, ये देखो मैं जो चीज दे करके तुम लोग के जा रहा हूं, मेरे जाने के पश्चात ये वस्तु तुम्हें कोई नहीं देगा है, गुरुदेव ये कहते थे। इसलिए इस कथा को तुम लोग अच्छे से श्रवण करो है, सुनो, अपने हृदय में रखो है। गुरुदेव इस कथा को व्याख्या करते, विशेष करके मेरा याद है ये श्लोक के जो जब जसमती नंदन ब्रजवर नागर है गोकुल रंजन का, अच्छा किसमें वो है जी, जो गोपी प्राणो धनो मदन मनोहर और आगे जो खुलासर जो का काम किसमें इसी ये विभावरी शेष महाराज विभावरी शेष आलोक प्रेस इसमें है, है? लास्ट में क्या है, है? आनंद फुलासर जो का काम, ये फुलासर के द्वारा गुरुदेव काम गायत्री की व्याख्या बोलते थे, मेरा याद है। यदि किसी के पास रिकॉर्ड है जरूर वो उमा दीदी के पास होगा शायद, है देखना उसमें इसमें फुलासर जो का काम, इसके द्वारा काम गायत्री की व्याख्या गुरुदेव करते थे। उस समय तो हम लोग केवल मात्र ही थे, उसमें बाहर के लोग ज्यादा नहीं आते थे, दो चार ब्रजवासी लोग शाम के समय आते थे और हम लोग केवल ब्रह्मचारी वहीं पर थे। और गुरु से ऐसे ऐसे निगुण तत्व के जो है और रसपूर्ण कथा को गुरुदेव बताते थे। ये फुलासर जो का काम है, काम गायत्री की व्याख्या, उनके अंतर्निहित व्याख्या को गुरुदेव करते थे और कहते थे देखो ये समस्त कथा जो है कौन बताएंगे। जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद की एक एक श्लोक की भी बता देते, विशेष करके उस श्लोक दो एक श्लोक के गुरुदेव सुंदर रूप में व्याख्या करते थे। यदि हरि स्मरण सरसंग मनो यदि कला से विलास कुतूहलम मधुर कोमल कंत पदावली सुनुतदा जयदेव सरस्वती, गीत गोविंद की कुछ कथा भी गुरुदेव वर्णन करते थे। गोविंद क्या बोले, कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ की दो श्लोक, प्रथम श्लोक और 104 नंबर श्लोक के गुरुदेव इतने सुंदर रूप में व्याख्या करते थे, जैसे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बारे में बताते थे। दीक्षा गुरु के जानियो तुम्हें तहार रूप, शिक्षा गुरु के जानियो तुम्हें तहार स्वरूप, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही दो रूप। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बारे में इतने सुंदर सरस व्याख्या करते थे। गुरुदेव कहते थे देखो कभी कभी दीक्षा गुरु अपेक्षा शिक्षा गुरु के वैशिष्ट विशेष दिखाई देता है। जैसे गुरुदेव वर्णन करते थे, मैं स्मरण होता है कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में 104 नंबर श्लोक को आप देखो, पहले नंबर श्लोक जो श्लोक जो है और 104 नंबर श्लोक दोनों की कंपेयर करके देखो, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु की तुलनामूलक आलोचना करते थे और उसमें विशेष करके 104 नंबर श्लोक में उसमें शिक्षा गुरु के महात्म वैशिष्ट अधिक रूप में गुरुदेव कहते थे हैं। प्रेम दंच में काम दंच में जीवन अंच में जीवना परह, ये 104 नंबर श्लोक में इसमें शिक्षा गुरु के विशेष महात्म दिखाया गया। जब भी साधारण के लिए कहा जाता है दीक्षा गुरु के प्रति अधिक तुम्हें ध्यान देना चाहिए आज में, किंतु जब भजन राज्य में प्रवेश करते करते निगुड़ भजन में चले जाते हैं तब शिक्षा गुरु के किसी प्रकार दीक्षा गुरु से कम नहीं बताया गया है। इसलिए गुरुदेव इस संदर्भ में बताते थे, ये देखो रघुनाथ दास गोस्वामी दीक्षा किसने लिया, जोधनंदन आचार्य से, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी सारे शिक्षा गुरु किसको कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर राय रामानंद, उसके आगे लेकर के चलते चलते रूप गोस्वामी पाद, और रूप गोस्वामी पाद की
शिक्षा गुरु के बारे में इतने समर्पित किया है विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में, तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने रोति मंजरी के भाव में इतने आविष्ट हो गए, अपने शिक्षा गुरु रघुनाथ रूप गोस्वामी पाद के रूप मंजरी रूप में दर्शन करके उनकी प्रणाम मंत्र करने लगे। श्री गुरुदेव कहते थे ये देखो इस जगत में प्रणाम और उसमें प्रणाम में क्या अंतर होता है, यहाँ पर हम गुरुदेव के प्रणाम करते हैं, नमो अज्ञान तिमिरांध ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलयेन तस्मै श्री गुरवे नमः, ये वास्तव क्या है उससे जो मूला प्रणाम होता है इसमें उससे जो बुद्धि रहता है। और अपराग्रित भाव सिद्धि अपने स्वरूप सिद्धि में वह पर भी गुरु प्रणाम आदि करते जा रहे रघुनाथ दास गोस्वामी रोति मंजरी के भाव में अभिष्ट होकर के रूप मंजरी तंग रूप मंजरी पतिता पुरे अस्मिन, हे रूप मंजरी आप तो ब्रज में सती साधी के नाम से प्रसिद्ध हो, मुझे पता है आज दो तीन दिन हो गया तुम्हारे पतिदेव घर में नहीं है कहां चले गए, किंतु और तुम भी असुरजम पश्चा माने तुम सूर्य के भी दर्शन नहीं करते माने घर से बाहर निकालते नहीं हो, किंतु तुम्हारे होठों में ये दाग कैसे आ गया, जरूर कोई सुकपुंग बेनम तुम्हारे जो है होठों के जो है सुंदर प्रपक्क स्वादिष्ट रसालो बिंब फल के मान करके कोई ऐसे कोई विशेष सुख पक्षी और चंचू लगाया जिससे तुम्हारी खत चिन्ह हो गया है, इसके ऊपर ऐसे परिहास युक्त जानी है। यह पर मंजरी भाव के विशेष वैशिष्ट भावोल्लास रति की विशेष वैशिष्ट कृष्ण यदि राधा जी के स्पर्श करते हैं और राधा जी के स्पर्श होने के साथ ही साथ ये राधा एकांति की निष्ठा परायण सखिया है नित्य सखी और प्राण सखी के हृदय में वो अपने आप संचारित हो जाता है, क्योंकि मंजरी के वैशिष्ट है मंजरियां कभी साक्षात रूप में कृष्ण के साथ नहीं मिलते है, ये विशेष वैशिष्ट है। जब कृष्ण राधा जी के आलिंगन करते हैं चुम्बन आदि करते हैं वो समस्त सारे क्रिया अपने आप मंजरी में अपने आप रिफ्लेक्टेड प्रतिफलित हो जाता है। इसी श्लोक में ये गुरुदेव वर्णन करते थे बहुत सुंदर, इस समय व्याख्या जो है आपको मिलेगा गुरुदेव की प्रवचन में कथा में ये कैसे इसमें वर्णन होता है। गुरुदेव ये सब कथा उस समय भी सुनाते थे शुरू शुरू में, हम तो सोचते तो नया आए हैं क्या बताए है? एक कथा गुड़ कथा मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं निष्कपट रूप में बता रहा हूँ। एक बार जो है गुरुदेव जो है जब मैं पहली पहली आया था यहाँ पर तो गुरुदेव मुझे जो है ले गए वृंदावन गए, उस समय माधव महाराज नवीन ब्रह्मचार्य वो शायद कहीं चले गए थे मेरा ख्याल से वो कलेक्शन में कहाँ गए थे आई थिंक ही वेंट वो कानपुर अथवा कहीं कलेक्शन 5-7 दिन के लिए वो चले गए। मैं गुरुदेव के साथ वृंदावन में गए, उस समय रूप सनातन कुछ नहीं था उस समय गुरुदेव एक बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा का नाम तो नहीं कहूंगा उसके पास गए और गुरुदेव पास जब गए वो संत महात्मा कह ये ब्रह्मचारी इनके साथ पास आपके स्वरूप के बारे में कैसे आलोचना करें, अरे ये नया ब्रह्मचारी कुछ नहीं जानते अभी अभी आए अच्छा ठीक है मैं थोड़ा दूर में बैठा रहा मैं दोनों में क्या आलोचना होता है। तो अब उस समय मेरा याद है उन्होंने वो आलोचना करने लगे, गुरुदेव कहने लगे ये देखो जब मैं ये जैव धर्म पढ़ाता हूँ बाप पढ़ता हूँ इस कथा के ऊपर आने से मेरा ये भावना उत्पन्न है। तब उन्होंने कहा ये जो रमन मंजरी है ना मेरा याद है उधर ये आपके सर्वगत बड़ी यद्यपि गुरुदेव सब कुछ जानते हैं तथापि जो है दाड़ लागी पूछे साधु रे व्यवहार, जिस प्रकार सनातन को समीपाद जानते मैं लवंग मंजरी हूँ, सनातन को समीपाद नहीं जानते थे मैं लवंग मंजरी हूँ, तो सनातन को समय महापुरुष के क्या पूछा के आमी क्या नंबर जा रहे था पत्र यह जानी कोई चेहरा है दाड़ लागी पूछे साधु व्यवहार, इसलिए आप लोग कहीं हमारे ऊपर दोष ना लगाए बा कोई ऐसे ना विचार करे गुरुदेव जानते नहीं थे ऐसे नहीं कहना है। गुरुदेव ये दैन करके उनको पूछा ये मेरा सर्व की मेरा याद है उस समय
वो संत महात्मा जो है गुरुदेव के सारी बताया ये जो जैव धर्म की जय, उस समय वास्तव रूप में मैं जैव धर्म की जो अंतिम जो एकादश भाव है और पंचदशा के बारे में मेरा ज्ञान नहीं था है, बाद में मुझे पता चला है, मैं पढ़ा जब वो मेरे याद है उस सारे कथा को बोला एकादश भाव नाम रूप गुण लीला पालोदासित्व भाव ये सारी उन्होंने बताया है, और श्रवण दशा स्मरण दशा अपन दशा भावपन दशा ये सारे कथा को जो है उन्होंने गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए है। जब भी गुरुदेव सब कुछ जानते हैं तथापि दाढ़ लागे दृढ़ता के लिए अथवा दैन के लिए गुरुदेव उनको पूछा, मैंने भी वे देखा गुरुदेव जब जब यही प्रसंग आ जाते थे है, जैव धर्म में ये रमन मंजरी के प्रसंग आ जाते थे है, आ समझ में तो रमन मंजरी हे रमन मंजरी ये कक्खटी जो है बूढ़ी कक्खटी है राधा कृष्ण के निद्रा के जो है ये व्याघात कर रहे हैं, ये रमन मंजरी तुम्हारी सेवा है तुम जाओ, जब तुमने लिखा है ना मैं देखा गुरुदेव जब इसी के जब वर्णन करते थे गुरुदेव के आंख छल छल हो जाते थे है, आंखों के आंसू की धारा हो जाती है, और मैं ही तो पूरा कंफर्म कर लिया क्योंकि मैं गुरुदेव के साथ ही था, मैंने उनको गुरुदेव से मैं शरण किया, आज तक मेरा स्मृति है उस मंदिर में गया था वो संत महात्मा के साथ मिले गुरुदेव के साथ जो क्या बोले निभृत एकांत में जो वार्तालाप हुई, मैं तो थोड़ी दूर में बैठा था तो आज तक वही स्मृति पाठ में है। फिर रमन मंजिल के बारे में हमें उस समय भी ज्ञान था है, जब भी मैं कुछ किसी के नहीं बोला है तो ये समस्त जो है गुरुदेव जो साक्षात रमन मंजरी इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु देखो गुरुदेव के रमन मंजरी तो आपने सुना किंतु उसके अनुभव करना है पहले अपने स्वरूप के जानो तब गुरु के स्वरूप जानो कृष्ण के स्वरूप जानो इष्ट देव के स्वरूप में जानो है, तो जब तक अपने स्वरूप के नहीं जाने तो ये केवल आरोप मात्र हो जाता है, इसलिए शास्त्र में कहते हैं पहले अपने के जानो है, अपने स्वरूप के अनुभव करो है, तो अब गुरु के स्वरूप के अनुभव इसके पश्चात राधा गोविंद और सबके अनुभव होगा है, इसलिए अपने को जानने के लिए यही भजन की प्रणाली दिखा आदु श्रद्धा ततु साधु संग भजन क्रिया अनर्थ वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम है, यही है प्रणाली है, इसके कहा जाता है सिद्ध प्रणाली, बाबाजियों की जो सिद्ध प्रणाली और अम्ल के भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की सिद्ध प्रणाली यही बताया गया। गुरुदेव कहते थे हमारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के भक्ति विनोद ठाकुर के धारा जो सिद्ध प्रणाली उसमें दो बताया गया, एक है क्या है ये चैतन्य महाप्रभु हमें सिद्ध प्रणाली शिक्षा दी, क्या सिद्ध प्रणाली शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु, तिनादपि सुने चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि नाम संकीर्तन करते करते अपने स्वरूप की उपलब्धि होगा, जिससे चेतो दर्पण मार्जनम इस श्लोक में महाप्रभु स्पष्टीकरण कर दिया, ये है एक सिद्ध प्रणाली बताया। दूसरी जो सिद्ध प्रणाली क्या है ये हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में ये सिद्ध प्रणाली दिखाया आदु श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया है, ये दिखाते भाव दशा में पहुंचने पर साधक अपने स्वरूप की उपलब्धि करते है, जिसमें जो है खांतिर प्रत्यकारतं विरक्ति मान सुंदर सुन्नता आशा बंध समुद्रकंठा नाम गाने सदा रुचि असत गुणान कने ये समस्त होता रहता है, और ये सब जब नहीं हो तब अपने स्वरूप को उपलब्धि करने पाए, इसलिए बाबाजी संप्रदाय की सिद्ध प्रणाली और भक्ति विनोद ठाकुर भक्तानंद प्रभुपाद और इसी कड़ी में जितने हम लोग आए हैं ये सिद्ध प्रणाली वास्तव रूप में है आदु गुरु पदाश्रय है, पहले गुरुदेव के चरण में आश्रय गुरु पदाश्रय, जैसे रूप गोस्वामी पाद भी पुनः विचार विवेचन करके दिखा रहे हैं आदु गुरु पदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम वेण गुरु सेवा 64 प्रकार की भक्ति के अंग के पालन करके हम कैसे कैसे धीरे धीरे चित्त निर्मल करके अपने स्वरूप के उपलब्धि करें, मंशा गुरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।